हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आस्तीन में डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तीन की लंबाई 11 इंच ली है अब हमें आस्तीन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर देना है आस्तीन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट करने के बाद अब हम इसे फोल्ड करके साइड में रख देंगे आस्तीन में डिजाइन बनाने के लिए एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की लंबाई पाँच इंच है और कपड़े की चौड़ाई तीन इंच है हमें कपड़े को फोल्ड करना है तो यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो हल्का सा गोल शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर कर आल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब हम यहाँ से धागे को कट करके डिजाइन को सीधा कर लेंगे तो फ्रेंड ऐसी हमें ढेर सारी डिजाइन बना लेनी है डिजाइन को बनाने के बाद अब हम इसे कागज़ पर लगाते हुए हम सारे डिजाइन को एक के नीचे एक लगाकर सिलाई कर लेंगे बिल्कुल इसी स्टेप इस को फॉलो करते हुए फ्रेंड हम दूसरे साइड में भी डिजाइन को लगाकर सिलाई कर लेंगे तो हमें दूसरे साइड में डिजाइन को ज्वाइंट करना है यहाँ पे अब किनारे की साइड में हम सिलाई चला लेंगे इस तरीके से फ्रेंड आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में तैयार कर सकते हैं इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम डोरी लेंगे तो फ्रेंड हमें डोरी की कटिंग करने के लिए इसकी लंबाई इस तरीके से नापनी है लंबाई नापने के बाद अब हम यहाँ से कट कर लेंगे बिल्कुल इसी साइज़ का हमें ढेर सारे डोरी का कटिंग कर लेना है तो फ्रेंड अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्सन में इसकी लिंक दी गई है अब हम डोरी को यहाँ पर लगाएँगे हम दूसरी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम डोरी को लगाकर इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे अब गोल सेप में आपको डोरी का डिजाइन बनाना है इस तरीके से अब हम दूसरी डोरी को इसमें ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर और इसे भी गोल शेप में घुमाते हुए हम दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको डोरी का डिज़ाइन बनाते जाना है दूसरे साइड में भी तो फ्रेंड हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो चला है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब जो किनारे के साइड में हमारा एक्स्ट्रा डोरी का कपड़ा है उसकी कटिंग हम कर लेंगे अब हमें डिजाइन में फ्रेंड इस तरीके से बटम लगा देना है बटम लगाने के बाद अब हमें दूसरा कपड़ा लेना है चकोर शेप में फ्रेंड हमने दो कलर का कपड़ा लिया तो कपड़े की लंबाई चार इंच है और कपड़े की चौड़ाई भी चार इंच है अब हमें दोनों कपड़े को ज्वाइंट करना है दोनों सेम साइज का कपड़ा है अब इसके चारों तरफ में हमें सिलाई चला देना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें इसे तिरछी में फोल्ड करना है और बीच में से कट कर लेना है तो यहाँ से हम बीच में से कट कर लेंगे बीच में से कट करने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे अब जो हमारा नोखीला सा डिज़ाइन है उसे प्रॉपर शेप में बाहर की तरफ निकालने के लिए हम कोई भी नोखीला चीज़ से हम इसे अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो फ्रेंड ऐसी हमें ढेर सारी डिज़ाइन बना लेनी है डिज़ाइन बनाने के बाद अब हमें इसे फ़ोल्ड करके दूसरी डिजाइन बनानी है तो हम ऐसे इसे फ़ोल्ड करेंगे हमें कितना फ़ोल्ड करना है सबसे पहले हम ऐसे फ़ोल्ड करके देखेंगे हमें इतना फ़ोल्ड करना है तो जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया है वहाँ पे हम टिक लगा लेंगे अब जो हमारा दूसरा डिजाइन है वो लेंगे दूसरे डिजाइन को आपको ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके ऊपर सिलाई चला देना है जहाँ पे हमने टिक लगाया है अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे अब दूसरे साइड में सिलाई चलाने के लिए हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमने सिलाई चलाया है बिल्कुल वहीं पे हमें नाप कर दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेना है बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको सारे डिज़ाइन को एक दूसरे में जॉइंट कर देना है ये देखिए हमारा डिजाइन ज्वाइंट होने पे ऐसा लुक आएगा तो सारे डिजाइन को आपको ज्वाइंट कर देना है तो फ्रेंड हमने सारे डिजाइन को ज्वाइंट कर दिया है अब हमें डिजाइन को यहाँ से फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई चला लेना है तो सारे डिजाइन को हम फोल्ड करते जाएंगे और इसके किनारे की साइड में हम सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमारा किनारे के साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड हमने किनारे के साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है अब जो आपका किनारे में थोड़ा सा धागा निकला हुआ है इसे अच्छे से कट कर दें यहाँ से भी हम कट कर लेंगे अब इसकी सिलाई करने के लिए हम इसे उल्टा कर देंगे और डेढ़ इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को हमें यहाँ ऊपर की साइड में लगाना है और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेना है अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को और धागे को कट कर लेंगे अब हमें कपड़े को यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चलानी है तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है तो फ्रेंड हमारी दो डिजाइन तैयार हो चली है अब हमें क्या करना है अब इसे आस्तिन के कपड़े में जॉइंट करना है तो डोरी वाले डिजाइन को हम ऊपर की साइड में लगाएंगे तो आस्तीन के कपड़े को फोल्ड करें और किनारे के साइड में लगाते हुए एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी स्टेप इस को फॉलो करते हुए हम दूसरे साइड में भी आस्तीन के कपड़े को ज्वाइन करेंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा दूसरा वाला डिजाइन है नीचे की साइड में ज्वाइंट करते हुए उसके ऊपर सिलाई चला लेनी है अब हम किनारे की साइड से और ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चला है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो